नमस्कार, आज मैं गोंद की पंजीरी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है गुड़ से बना रही हूँ। गुड़ को मैंने पानी में भिगो करके उसको छान लिया है। कभी कभी गुड़ में गंदगी आ जाती है इसलिए, वरना गुड़ को डायरेक्ट भी पिघलाया जा सकता है, वो बहुत आसानी से बन जाता है। ये गोंद है जिसको मैंने कूट रखा है, ये नारियल पाउडर है, ये अजवाइन है, ये मेलन सीड्स हैं, ये बादाम अखरोट और इलायची है, ये थोड़ा सा आटा है और ये घी है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये भून लेती हूँ, घी डाल करके इसको भून लेती हूँ गोंद को। इसके लिए मैंने इसमें घी डाल दिया है, इसको गर्म होते ही मैं भून लूँगी। मैं इसमें गोंद डाल रही हूँ घी में और ये देखिए कैसे फूल के सफ़ेद हो जाता है, बिल्कुल अच्छी तरह से जाना चाहिए वरना मुँह में मोटे मोटे कण आते हैं। इसको अच्छे से सीख लेना चाहिए, ये ऐसे सिक्के वाइट हो जाएंगे। ऐसे सिप करके इनको निकालें। इलायची कूटने के लिए मैंने रख लिया है। मैं अब इसमें बादाम और ये थोड़े अखरोट, आप जो मेवा चाहें वो ले सकते हैं, इसको डाल रही हूँ इसमें सेकने के लिए। थोड़े सिक जाएंगे और इनको भी निकाल लेती हूँ। अब मैं इसमें आटा भून रही हूँ। ये आटा इसमें घी में अच्छी तरह से सीख लिया है। मैं इसमें थोड़ा नारियल जो मैंने रखा है इसको भी डाल देती हूँ और ये अजवाइन भी डाल देती हूँ। इन सब को इसके साथ सेक लेने के बाद और अच्छी तरह से इसको सेक लेते हैं ताकि नारियल भी अच्छी तरह से सिक जाए। और ये सब भून जाने के बाद इस सब को हम निकाल लेंगे। ये बीज जो हमने खरबूजे के हैं इनको भी इसमें डाल देते हैं। ये सब इसमें भून जाएंगे, अच्छी तरह सिक जाएंगे। इलायची जो मैंने कूट कर रखी है ये मैं सबसे लास्ट में डालूंगी, जब गुड़ की कंसिस्टेंसी इसमें तैयार हो जाएगी तब डालेंगे इसको, ताकि घी इसमें इलायची की खुशबू ना हो जाए। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये मैंने सब सेक के निकाल लिया, अब मैं गुड़ डाल रही हूँ ताकि इसकी चाशनी तैयार हो जाए। ये चाशनी तैयार हो गई है, एक तार की चाशनी होनी चाहिए। हमें देख लेते हैं, ऐसे उंगली से भी करके देख लेते हैं एक तार। अब ये तैयार है, इसमें ये सारा सामान डाल देंगे। ये बिल्कुल तैयार है, आप जमाने के लिए मैं इसको थाली में शिफ्ट कर रही हूँ जिसमें चिकनाई लगी हुई है। ये जम के आधे घंटे में करीब तैयार हो जाएगा, तब आप इसको काट सकते हैं। डिजायर्ड शेप में काटिए, चाहे बर्फी की शेप में, चाहे स्क्वायर, कैसे भी काट सकते हैं। और इसको खाइए और खाने के बाद आप मुझे इसके अपने रिव्यूज़ मुझे ज़रूर दीजिएगा और सुझाव भी मुझे आपके चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, अगली रेसिपी तक के लिए नमस्कार।